हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जैसा कि दो लेक्चर्स हो गए हैं कोऑपरेटिव्स पे, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले मैं एडवाइस करूँगा कि वही लेक्चर देखें। यहाँ पर आई बटन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो उस प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे आप। तो सबसे पहले वो वाला लेक्चर देख लें, तभी आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। शुरू करते हैं। जैसे हम ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि कहाँ से जो कोऑपरेटिव्स का आइडिया आया था और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई और क्या क्या चीज़ें आई। तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने सारा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स अप टू इंडिपेंडेंस बता दिया था कि कौन कौन से एक्ट्स आए थे और क्या क्या प्लानिंग हुई थी कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड, और कोऑपरेटिव्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होती थी, क्या मिनिमम मेंबर्स थे। जैसे मैंने बताया था कि मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए। बेसिकली अब हम देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको पता होगा, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 से 1956 तक उसका स्पैन था। तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्लान हुई थी, क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन देता है तो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आती है जिसमें लिखा होता है कि ये चीज़ें, हम सारी चीज़ें होती है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट्स करेंगे हम, क्या क्या चीज़ें होंगी आने वाले 5 साल में, पूरा 5 साल का एक प्लान होता है। तो उसी में कोऑपरेटिव्स की भी डिस्कशन हुई थी कि कैसे कैसे हम कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसमें फोकस किया गया था कि कोऑपरेटिव्स और पंचायत्स में एक लिंक बनाने का, ताकि एक अच्छे से प्रॉपर सेटअप बन सके और जो कोऑपरेटिव अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर पाए विलेजेस की, और पंचायत्स उसको आगे प्रोग्रेस कर पाए। जैसे हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आउटलाइन इन डिटेल द विजन ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया एंड रैशनल फॉर एम्फसाइजिंग कोऑपरेटिव्स एंड पंचायत्स एज प्रेफर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब जैसे पंचायत हमारी क्या काम करती है, पंचायत हमारा काम करती है सोशल डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि कैसे विलेज में कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स होगी, कैसे उसमें इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो पंचायत करेगी। लेकिन अब कोऑपरेटिव्स क्या करता था, कोऑपरेटिव्स किस में हेल्प करेगा। अब जैसे कोऑपरेटिव्स एक किस्म का बैंक्स का काम करेगा, जो लोन्स प्रोवाइड कर गया फार्मर्स को, मार्केटिंग का काम करेगा कि कैसे सेल और परचेज करनी है, सीड्स की सेल कैसे, सीड्स परचेज करने हैं, फर्टिलाइज़र परचेज करने हैं, उनको फेयर प्राइस और गुड क्वालिटी में कैसे परचेज कर सकते हैं, वो कोऑपरेटिव्स उसके थ्रू उसका मेथड प्रोवाइड करता था कि लोन वगैरह का सारी चीज़ें वो कोऑपरेटिव के थ्रू अचीव हो सकती थी। इंडिविजुअल डेवलपमेंट वो किसके थ्रू अचीव होती थी, वो कोऑपरेटिव के थ्रू अचीव होती थी, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हमारी पंचायत के थ्रू अचीव होती थी। द प्लान एम्फसाइज द अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब हर एस्पेक्ट से मीन्स, अगर कोई पर्सन है वो विलेज में रहता है, उसकी क्या क्या नीड्स हैं, हर नीड को पूरा करने के लिए एक कोऑपरेटिव मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं कोऑपरेटिव्स के थ्रू, और उसके थ्रू कम्युनिटी हमारी प्रॉपर डेवलप होगी। क्योंकि अगर सपोज करके कोऑपरेटिव है, फार्मर कोऑपरेटिव है, वो पूरी फार्मर्स की नीड की रिसर्च करेगी कि क्या क्या नीड्स पड़ती है फार्मर को, जैसे सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, और प्रोडक्शन के रिलेटेड की प्रोटेक्शन हो क्रॉप्स की, उसके रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब जैसे फसल उग गई तो हमें उस टाइम क्या करना है कि फार्मर्स को अच्छे से अच्छा रेट मिले उनकी क्रॉप का, उसके थ्रू मार्केटिंग प्रोवाइड करना, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का क्या क्या काम होता है कि कौन सी फसल इस सीज़न में बेटर रहेगी, क्या मार्केट नीड्स हैं, वो सारा चीज़ें उसके थ्रू क्या होगा, फार्मर्स को हेल्प होगी अच्छी से अच्छी इनकम कमाने में। सो इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव ऑफ वर्कर्स, अगर कोई इंडस्ट्रीज हैं उसमें इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव ऑफ वर्कर्स के लिए कोऑपरेटिव्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, इन सब चीज़ों का मतलब मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लें पहले।
डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज थ्रू कॉपरेटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लान की थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया रूरल कमेटी 1951। कब आई थी ये याद रखना कि एक ऑल इंडिया रूरल, ये हमारी क्रेडिट सर्वे कमेटी थी जो सर्वे करेगी आगे जाके। अब 1970 के अराउंड एक क्रेडिट रिव्यू कमेटी आएगी, ये सर्वे कमेटी है वो रिव्यू कमेटी है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है कि एग्ज़ाम में किसके बारे में पूछा हुआ है। तो अगर क्रेडिट सर्वे कमेटी आएगा तो उसका ईयर कौन सा है, 1951, और उसका आई थिंक 1969-70 है। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसको क्लिक कर देना है। ओके सो क्या था ये, एक जो क्रेडिट सर्वे कमेटी थी ये एक इनिशिएटिव था जो जिसकी अपॉइंटमेंट की थी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ऑफ गढ़वाला कमेटी इसको बोलते हैं, जिसका नाम ये दूसरा नाम है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। सो ये कमेटी हमारी अपॉइंट हुई थी 1951 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1954 ने। अब क्या क्या इन्होंने इस कमेटी ने क्या देखा, इनका काम क्या था, कि इन्होंने देखा कि जो लार्ज पार्ट है कंट्री का, जैसे ये पूरी कंट्री है तो उसमें सिर्फ छोटा सा पार्ट है जो कॉपरेटिव्स कवर करती हैं, और ये वाले पार्ट में भी जो कवर कर रही हैं उसमें भी 75% नीड है क्रेडिट की फार्मर्स को लोन्स की, वो कॉपरेटिव्स के थ्रू ना हो करके किसी अदर सोर्सेज के थ्रू अचीव होती है। तो फिर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि क्या क्या होना चाहिए और कौन से नए कॉपरेटिव्स खुलने चाहिए, और इनका टारगेट था कि हर एक विलेज की फैमिली कॉपरेटिव्स के थ्रू लिंकअप हो, ताकि लार्ज एरिया हम कवर अप कर पाएँ कॉपरेटिव्स को और उनकी नीड को कोप अप कर पाएँ। सो अब एक इम्पीरियल बैंक होता था जिसकी जो शुरू हुआ था 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट बैंक में, इसकी नेशनलाइजेशन हुई थी स्टेट बैंक में, कब हुआ था 1955 में। तो डेट्स भी रिमेंबर रखनी है तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इम्पीरियल बैंक कब कन्वर्ट हुआ था स्टेट बैंक में। इसके थ्रू अचीव हुई थी कि स्टेट बैंक की काफ़ी ब्रांचेस के थ्रू। अब क्या काम था इसका, कि लोगों का वेलफेयर, पहले एक किस्म का प्राइवेट बैंक था, अब ये इसका काम क्या होगा, मेनली लोगों का वेलफेयर, तो ये प्रॉपर उस पर काम कर पाएगा। सो और क्या था, इन 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ने जॉइंटली कॉन्स्टिट्यूट की सेंट्रल कमेटी फॉर कॉपरेटिव ट्रेनिंग, कि कॉपरेटिव ट्रेनिंग पे भी फोकस किया जाए। अब बेसिकली क्या होता है इस मैं बताता हूँ, जैसे सपोज करके कोई भी कॉपरेटिव है, वो जैसे मार्केटिंग कॉपरेटिव है, तो अब उसमें जो भी पर्सनस हैं काम करने वाले, अगर उनको कुछ आइडिया ही नहीं होगा उस चीज़ का, उस फील्ड में उनका कोई उनको पता ही नहीं होगा क्या क्या काम करना है, तो वो कैसे उस कॉपरेटिव को चला पाएंगे और कैसे वेलफेयर कर पाएंगे। तो इसी के लिए कमेटीज़ बनाई गई, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने का सोचा गया कि ट्रेनिंग होगी प्रॉपर उनकी उसी फील्ड में, ताकि वो क्या कर पाएँ, एक तो कॉपरेटिव्स के मेंबर्स बढ़े उसके थ्रू, और वो कॉपरेटिव अच्छे से फ्लरिश हो, और उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके उनके मेंबर्स का। सो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये तो 1956 तक आ गया कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब 1956 से 61 पे देखेंगे हम क्या क्या हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका 1956 से 1961 तक आया था। तो अब इसमें क्या था, जो भी अब रिकमेंडेशंस थी ऑल इंडिया रूरल सर्वे कमेटी की, उनको अप्लाई किया गया, यहाँ पे कोशिश की गई इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। जैसे उन्होंने बोला था कि हर एक विलेज के जो फैमिली है, हर एक विलेज की फैमिली है, वो किसी ना किसी कॉपरेटिव का मेंबर होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉपरेटिव के थ्रू जुड़ें, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सके। तो एक तो इन्होंने क्या किया, जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और क्या क्या चीज़ें खुली, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड बनाया गया 1956 में।
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट और वेयर हाउसिंग बोर्ड उसका सेटअप किया गया। और क्या बनाया गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन सेटअप इन 1957 में, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। अब वेयर हाउस का अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो वेयर हाउस क्या होता है, बेसिकली जो वेयर हाउस होता है उसमें क्या होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे कि अगर फार्मर्स ने कुछ आलू वगैरह उगाए हैं या कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, तो अब अगर हम ओपन में उसको रखेंगे तो वो सारा थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा, या प्याज वगैरह किसी चीज़ में ओपन रख दिया हमने, वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो वेयर हाउस पूरी स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, और कुछ उनका रेट होता है कि हाँ पर केजी कुछ 1 रुपया होगा पर केजी के हिसाब से, या कुछ 50 पैसे होंगे, उसके हिसाब से फार्मर एक तो अपना मटेरियल रख सकते हैं, या गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज होते हैं वो अपना जो भी आटा चावल वो उस वेयर हाउस में रख सकते हैं। सो इससे उसमें पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की होती है कि होती है उन्होंने किया होता है कि कोई सामान ख़राब ना हो। अब सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुआ था 1957 में, और उसकी कितनी कैपेसिटी थी, 91.99 लाख मैट्रिक टन कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी स्प्रेड अमंग 473 यूनिट्स थी। तो यही याद रखना है इसमें कि जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, वो हुआ था 1957 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 एम्फसाइज द नीड फॉर स्टेट असिस्टेंस टू एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस एंड टू बिल्ड अप ए लार्ज एंड ग्रोइंग कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी 1956 ने, इसमें फोकस किया गया था कि स्टेट कुछ ना कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करे एंटरप्राइजेस को, ये ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए कोऑपरेटिव, जिनका एक कोऑपरेटिव मोटिव हो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करे, कि जैसे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें तो क्या हो, या कुछ इंटरेस्ट वगैरह उनका कम हो उस चीज़ पे, ताकि एक लार्ज कॉरपोरेटिव सेक्टर बन सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेवलपमेंट हो सके। सो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी नाफेड। अब इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है, ये फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव मार्केटिंग, और ये FED फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, 2 अक्टूबर 1958 में। और इसको रजिस्टर कौन से एक्ट के अंडर किया गया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में। नाफेड वाज सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। कोऑपरेटिव मार्केटिंग का मतलब मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, सो आई होप क्लियर होगा। नाफेड एक ये याद रखना कि कब हुई थी और कौन से एक्ट के अंदर हुआ था और इसकी फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड 5-ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था 61 से 66 तक था। अब इसमें थर्ड 5-ईयर प्लान में क्या फोकस किया गया, कि कोऑपरेटिव जो हैं वो प्रोग्रेसिवली, मतलब हर एक सेक्टर पे ये वर्क करें, जो कॉपरेशन हैं, जो कॉपरेटिव सोसाइटी हैं, वो एक किस्म का हर एक सेक्टर जो भी सोसाइटी में है उसको कवर अप करें। अब जैसे कम्युनिटी, एक तो एग्रीकल्चर इस पे पूरा एक इस पे हों, कॉपरेटिव एग्रीकल्चर पे हों, वेट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा, हाँ एक तो एग्रीकल्चर इस पे फोकस किया गया कि हाँ एक तो एग्रीकल्चर पे कोऑपरेटिव होनी चाहिए, ठीक है, एक एग्रीकल्चर हो गया। और कौन सा है, हाउसिंग की प्रॉब्लम आती है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स जो क्या करें, लोन्स प्रोवाइड करें लोगों को कि वो अपना मकान बना सकें, या और चीज़ें प्रोवाइड करें, जैसे कि एक होता है कि एक स्कीम मैंने पहले लेक्चर में आई गेस सेकेंड लेक्चर में बताई थी, कि उसमें थोड़ी सी पेमेंट करके मेंबर एक मकान में एंटर हो सकते हैं, और उनको मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जैसे 25,000 20,000 अभी के टाइम के बता रहा हूँ, तो
फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एक किस्म का वो घर उनका अपना हो जाएगा। सो हाउसिंग कोऑपरेटिव हो सकता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो सकते हैं, अब और किसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेटिव हो सकता है। सो इस पे पूरा फोकस था इसका, 3rd 5-year plan का। सारे सेक्टर जो भी हैं कम्युनिटी के, उन सब सेक्टर को किसके अंडर लाया जाए, कोऑपरेटिव्स के अंडर। सो अब देख लेते हैं, इन 1962 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू बाइफर द एक्ट ऑफ 1956। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्या क्या चीज़ें थी, एक क्या क्या चीज़ें थी, वो थे, एक तो जो एक्ट आया था हमारा 1956 का, उसने बताया था कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और वेयर हाउसिंग बोर्ड सेटअप हुआ था 1956 में, तो उसको अब बाइफरकेट कर दिया गया। अब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक तो ये होगा, और वेयर हाउसिंग एक्ट ये अलग से आया। अब पहले एक ही था, अब इसको बाइफरकेट कर दिया गया इस एक्ट को दो में। ये कब हुआ था, 1962 में। अब और क्या चीज़ें थी, अब पीडीएस सिस्टम भी आया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर भी 1962 के बाद क्या आया, पीडीएस सिस्टम। जैसे राशन वाला हमारा सिस्टम होता है, राशन के डिपो होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फेयर प्राइस में आटा चावल देते हैं, और जो गरीब होते हैं उनको, बीपीएल फैमिलीज होती हैं, उनको क्या करते हैं, काफ़ी कम रेट में राशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कब हुआ था, 1962 के बाद ये चीज़ स्ट्रेंथन होने लगी थी, और ऐसे ऐसे राशन डिपो खुलने लगे थे। अब अभी तो आटा चावल ही मिलता है, उस टाइम पुराने ज़माने में काफ़ी चीज़ें और भी मिलती थी, जैसे कैरोसिन हो गया, दालें हो गई, मक्की हो गई, बाजरा हो गया। तो ये सारी सिस्टम, ये सारी चीज़ें उसमें कवर अप होती थी। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन, वो कब सेटअप हुई थी, 1962 में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू कॉपरेटिव्स थ्रू सेंट्रल लैंड मॉर्टगेज बैंक्स। अब सेंट्रल लैंड मॉर्टगेज बैंक कौन से होते हैं, अब ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म, जैसे 5 साल का लोन दे दिया, 5 साल का लोन दे दिया, तो ये क्या करते थे कि फार्मर के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, या ज़मीन या सोना या कुछ ऐसी चीज़ वैल्यूएबल थिंग होनी चाहिए, तो उसके थ्रू वो क्या ले सकते थे, लॉन्ग टर्म लोन ले सकते थे, उन्हीं को बोलते हैं लैंड मॉर्टगेज बैंक्स। तो ये याद रखना है कि एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन कब सेटअप हुई थी। अब नेक्स्ट आ गया 1963 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एस्टेब्लिश हुई थी। कैसे एस्टेब्लिश हुई थी, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये याद रखना है कि कब सेटअप हुई थी, 1963 में सेटअप हुई थी। और ये भी चीज़ याद रखना है कि नेशनल कोऑपरेटिव NCDC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है हमारा न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और जो ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो आता है हमारा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। और इसके अगर मिनिस्टर पूछ लें तो आई थिंक नरेंद्र सिंह तोमर थे शायद, और इसकी वेबसाइट क्या है, NCDC.in। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो नेक्स्ट है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कब सेटअप हुआ था, वो हमारा सेटअप हुआ था, ये भी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सेटअप हुआ था 1965 में, और जो मेन ऑफिस है इसका वो है आनंद गुजरात में, और ये किसके फाउंडर कौन थे, वो थे वर्गीस क्यूरन। अब ये मतलब कैसे आया था इसका भी, ये जो कायरा मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन का जो सक्सेस हुई थी उसके बाद आया था, ये कब हुए थे 1946 में। तो उसके अचीवमेंट, उसकी सक्सेस के बाद, अगर ये मैंने सारा पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है ये वाली चीज़, तो 1946 में ये कायरा कोऑपरेटिव यूनियन आई थी, उनका काफ़ी सक्सेस मिला था उनको, और वो काफ़ी फेमस हुई थी। उसी के बाद ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया ताकि ऐसी कोऑपरेटिव्स और भी खुल सकें। और इसी के बाद क्या हुआ था, 1970 में जाके ऑपरेशन फ्लड आया था, जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन 1967 वैकुंठ मेहता
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट वाज सेट अप इन पुणे। तो ये इंस्टीट्यूट क्या करता था, ये कोऑपरेटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था कि कैसे मैनेज कर सकते हैं कोऑपरेटिव्स को डिफरेंट फील्ड्स में। अब कोऑपरेटिव्स का मैंने जैसे बताया कि काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। तो उनको कैसे मैनेज करना है और उनके मेंबर्स कैसे इंक्रीज करने हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हम कर सकते हैं और फंड्स का जुगाड़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वो ये इंस्टीट्यूट के थ्रू सिखाते थे कि क्या क्या एक्ट्स आते हैं आए हैं और वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती थी। अब सेवरल अदर सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट टू प्लेस अंडर during this period, such as selling up of various national cooperative federations, setting up of various national cooperative federation and reorganization national cooperative union of India. So और भी काफ़ी सारी developments हुई, जैसे national cooperative, इनकी सारे जो अब cooperatives का reorganization अच्छे तरीके से करना, so ये इसी में आया था। अब in July 1966 All India Rural Credit Review Committee was formed to review the progress made in the supply of credit for intensive agricultural production and marketing. ठीक है, from all the institutional service sources including the commercial banks. अब जो ऑल इंडिया रूरल रिव्यू कमेटी वो आई थी 1966 में, तो उसका क्या एम था कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मतलब क्या पूरा रिव्यू करना कि क्रेडिट लोन कहाँ कहाँ से मिल पा रहे हैं और क्या प्रॉपर तरीके से उनको मिल पा रहे हैं और क्या क्या सोर्सेज थे, जैसे कमर्शियल बैंक उनकी वर्किंग क्या, उनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन्स मिल भी पा रहे हैं, किसको लोन्स मिल रहे हैं, क्या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें क्रेडिट रिव्यू कमेटी ने किया था। फिर उसके उसने बाद में अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट सबमिट की थी 1969 में, और इन्होंने एडमिट किया था दैट कोऑपरेटिव्स वुड हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड, उनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बट इट हैज़ नो हेजिटेशन इन हाईलाइटिंग दैट दे शुड बी ऑल द बेटर एंड फार्मर वुड बी बेटर सर्व इफ़ अदर इंस्टीट्यूशंस को एग्जिस्टेड विद डैम इन हेल्थी कॉम्पिटिशन। हाँ, उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि ये कॉपरेटिव्स तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन अगर और भी कुछ इंस्टीट्यूशन हो जो इनके पैरेलली वर्क करें तो इनको एक पूरा कॉम्पिटिशन मिल पाएगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी। सो एडोप्शन ऑफ मल्टी एजेंसी अप्रोच, मल्टी एजेंसी मीन्स डिफरेंट एजेंसीज होंगी तो आपस में कॉम्पिटिशन भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाएंगे। तो ये याद रखना है कि ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी कब आई थी और रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1969 में। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया फोर्थ फाइव ईयर प्लान। अब फोर्थ फाइव ईयर प्लान, मैंने जैसे पिछले में ही बता रहा था कि रीऑर्गेनाइजेशन बोल रहे थे पिछले में ही कि उसकी ज़रूरत है, तो इसमें फोर्थ फाइव ईयर प्लान में उस पर फोकस किया गया। किसके फोकस किया गया, हाई प्रायोरिटी दी गई कि रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी हमें कोऑपरेटिव्स को, टू मेक कोऑपरेटिव शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म स्ट्रक्चर वायबल। सो इनको शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव्स में और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्ट्रक्चर में इनको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और बोला गया कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वही लैंड मॉर्टगेज बैंक्स, इन्हीं को लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं, जो क्या करेंगे, हैंडल करेंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिट, विल बी एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट फॉर स्कीम्स ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर सच एज लैंड रिक्लेमेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड माइनर इरीगेशन वर्क्स। अब जो रिकमेंडेशंस थी ऑल इंडिया रूरल रिव्यू कमेटी को, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए इस फोर्थ फाइव ईयर प्लान में। और ये मैंने बताया कि ऑपरेशन फ्लड जो आया था 1970 में आया था, और अब इसका एम क्या था कि इंडिया को एक मिल्क ग्रिड में डेवलप करना, और ये इनिशिएट किसने किया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। अब इसके बाद जो है
अब कॉपरेशन के बारे में इतना 5 ईयर प्लान में इतना डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया था। आने वाले कुछ प्लान में देखेंगे, जैसे 9th प्लान ने आगे वाले 9th प्लान के आगे उन्होंने कुछ कॉपरेशन में दिया ही नहीं था, क्योंकि बेसिकली क्या था, जो कॉपरेटिव है वो बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट उस पर रूल्स बनाती थी, तो सेंटर का उस पर ज़्यादा काम नहीं होता था। तो 5th 5 ईयर प्लान में 1974 से 1979 टुक नोट ऑफ हाई लेवल ऑफ आवर ड्यूस। अब जो कॉपरेटिव्स में उसमें ड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उस पर पूरा ये फोकस था। इन इट्स रिकमेंडेड स्ट्रेटजी फॉर कॉपरेटिव डेवलपमेंट द करेक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, जो रीजनल इम्बैलेंसेस थे, और रीओरिएंटिंग द कॉपरेटिव्स टूवर्ड द अंडर प्रिविलेज वाज टू रिसीव स्पेशल अटेंशन। अब क्या था बेसिकली, अब कुछ रीजन्स में कॉपरेटिव्स बहुत ज़्यादा थी, कुछ रीजन में कॉपरेटिव्स बिल्कुल नहीं थी। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला गया कि इसी की वजह से क्या था, ओवरड्यू काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें अंडर प्रिविलेज को ज़्यादा फोकस करना है, और जहाँ पे कॉपरेटिव नहीं है वहाँ कॉपरेटिव लाने की ज़रूरत है, ना कि जहाँ से आगे ही प्रेजेंट है उधर और कॉपरेटिव्स लाने की। सो एक बेसिकली इम्बैलेंस को ख़त्म करना है और रीओरिएंट करना है टूवर्ड द अंडर प्रिविलेज टू गिव देम स्पेशल अटेंशन। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वो अब क्या है कि 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान में क्या है, ये आया आपका 1979 से 1985 के दौरान। ये इसने एम्फसाइज किया कि एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेटिव इफ एफर्ट बीइंग मोर सिस्टमेटिकली डायरेक्टेड टूवर्ड्स एमोलियरेटिंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रूरल पियर। अब इसने मोर फोकस किया टूवर्ड जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी रूरल पुअर की, उसको अच्छी करने के लिए फोकस किया है इन्होंने। दिस प्लान रिकमेंडेड स्टेप्स फॉर रीऑर्गेनाइजिंग प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जैसे लैम्प्स, ये बेसिकली आदिवासी लोगों के लिए, उनके जो शेड्यूल ट्राइब्स थी उनके लिए ज़्यादा फोकस्ड होती थी। इट आल्सो सजेस्टेड दैट स्ट्रेंथनिंग द लिंकेजेस बिटवीन कंज्यूमर एंड मार्केटिंग कॉपरेटिव्स। अब इन्होंने किस पे फोकस किया और किस चीज़ पे, कि जो कंज्यूमर कॉपरेटिव्स हैं और मार्केटिंग कॉपरेटिव्स हैं उसमें एक लिंकअप सेटअप किया जाए, ताकि क्या होगा, फार्मर्स इनको देते हैं अपनी पूरी जो भी उनकी फसल है, वो उसका डीलिंग डायरेक्ट कंज्यूमर कॉपरेटिव से कर सके, ताकि दोनों पार्टनर हैं जो वो बेनिफिट कर सकें इससे। कंसोलिडेशन ऑफ द रोल ऑफ कॉपरेटिव फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट ऑफ डेयरी, फिशरी, माइनर इरिगेशन कॉपरेटिव, मैन पावर डेवलपमेंट, तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करने के लिए ये पूरा 6th ईयर प्लान बेस्ड था। अब इसमें बेसिकली, अब आप अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो मेन फोकस वहीं पे करें। अगर जैसे कोई पर्टिकुलर कमेटी आ जाती है, तो उस कमेटी का हेड कौन है, कौन से ईयर में आई थी, उसकी एक दो रिकमेंडेशन जो मेन है उस पे देखें। और कोई अगर स्पेसिफिक चीज़ आती है, जैसे नाफेड करके आती है, तो उसके बारे में उसकी क्या फुल फॉर्म है, हेड क्वार्टर कहाँ है उसके, वो चीज़ें सारा देखें। अब अगर मैं कोई चीज़ मिस भी कर जाता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा। सो नबार्ड एक्ट 1981, सो नबार्ड की फुल फॉर्म आ सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है नबार्ड, और ये कब सेटअप हुआ था। सो 1981 में ये एक्ट पास हुआ था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये कौन से एक्ट पास हुआ था इसके रिलेटेड, 1981 वाज सेट अप टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटीज़। किसको वो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करें, टू कोऑपरेटिव बैंक्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन क्रेडिट फ्लो हो सके, कहाँ से, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में। अब नेक्स्ट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1984। अब एक एक्ट आया था 1942 में,
तो अब इस एक्ट ने उसको रिपील कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था। ये किसके लिए आया था कि मतलब जो भी फॉल्ट थे 1942 के एक्ट्स को उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट 1990 1990। एन एक्सपेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चौधरी ब्रह्म प्रकाश। अब ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट कौन 1990 को की चेयरमैनशिप कौन कर रहा था। उसमें तीन चार ऑप्शन दिए होंगे तो आपको ब्रह्म प्रकाश सेलेक्ट करना है। यहाँ आ सकता है कि कौन से ईयर में ये कमेटी बनी थी, कौन से ईयर में एक्ट आया था। सो वॉज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन टू मेक अ रैपिड रिव्यू ऑफ द ब्रॉड स्टेटस ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट, कि क्या स्टेटस है उसका और कैसे वो काम कर रहे हैं और क्या फ्यूचर प्लान होने चाहिए हमारे आने वाले ईयर्स में, ताकि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो अच्छी तरह से हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर पाए और उनकी हेल्प कर पाए। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1991। तो नेक्स्ट देखते हैं 8th 5-year प्लान, वो आया था 1992 से 1997 तक था। सो लेड एम्फसिस ऑन बिल्डिंग अप, इसने किस पे एम्फसिस किया था? ऑन बिल्डिंग अप ऑफ सेल्फ मैनेज्ड सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशनल सेटअप बाई गिविंग इट मोर ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेटाइजिंग द मूवमेंट। इट आल्सो स्पोक ऑफ एनहांसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ कॉपरेटिव फॉर इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल स्मॉल लेबरर्स फार्मर्स आर्टिजन्स शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एंड वूमेन एंड एम्फसाइज डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ कॉपरेटिव फंक्शनरीज इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब जो 8th 5-year प्लान था वो बेसिकली किस पे फोकस था? वो था कि जो कॉपरेटिव्स हैं वो सेल्फ मैनेज्ड हों, सेल्फ रेगुलेट हों और सेल्फ रिलायंट हों, मतलब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो जिसके अपने एक रूल्स हों रेगुलेशंस हों। अपना अगर कोई सेटअप डिसीजन लेना है उसके क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, कोई एक्ट रूल बुक होगी उनकी जिसके अकॉर्डिंग वो चलती होगी और अपने ही ग्रुप के जो पीपल होंगे वही उसको मैनेज करते होंगे। तो एक पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने की कोशिश की गई कि हाँ ऐसे कोऑपरेटिव्स हमारे डेवलप होंगे आगे। और क्या करें कि जो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करें, जैसे लेबरर्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के लिए उसके लिए। और क्या हो, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग पे भी फोकस किया है किसने? 8th 5-year प्लान ने। फ्रॉम द 9th 5 प्लान ऑनवर्ड देयर हैज़ बीन नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ कोऑपरेटिव्स एज ए पार्ट ऑफ द प्लान, क्योंकि जो कॉपरेटिव्स था वो एक स्टेट सब्जेक्ट था, वो स्टेट उस पर अब किसी स्टेट में कॉपरेटिव्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी कहीं कम थी, तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली कॉपरेटिव्स के ऊपर रूल बना सकती थी, कोई भी एक्ट बना सकती थी, जिसकी जो नीड थी उसने अपने हिसाब से वो उसके हिसाब से बना सकती थी। सिंस कॉपरेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंड रिकोगनाइजिंग द डिफिकल्टीज इन हैविंग द एग्जिस्टिंग स्टेट कॉपरेटिव एक्ट अमेंडेड ऑन द लाइन्स ऑफ मॉडल कॉपरेटिव एक्ट, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस की गई और हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग कॉपरेटिव्स के रिलेटेड लॉस बनाती थी। देखते हैं नेक्स्ट मल्टी स्टेट कॉपरेटिव एक्ट 2002। तो अब इसने जैसे पहले आया था 1942 में, फिर आया 1984 में, इसने इसको ख़त्म किया। अब 2002 में आया जिसने इसको ख़त्म किया। इसके अकॉर्डिंग क्या था, वॉज मॉडिफाइड इन 2002 इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ मॉडल कॉपरेटिव एक्ट अनलाइक द स्टेट लॉस विच रिमेन्ड एज ए पैरेलल लेजिस्लेशन टू को एग्जिस्ट विद द अर्लियर लॉस। ये बस यही याद रखना है कि आपको कि मॉडल कॉपरेटिव एक्ट ने किसको ख़त्म किया था, 2002 वाले ने वो किया था 1984 में, और 1984 वाले ने 1942 वाले को ख़त्म किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये लास्ट स्लाइड है। तो एक पॉलिसी जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, 2002 में। इसमें क्या था कि अब इसके एक तो ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं क्या क्या थे,
और क्या क्या मतलब चीज़ें थी जो इस नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी में थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनन्शिएटेड ए नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ये किसके लिए बनाई गई? कोऑपरेटिव्स के लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें थी हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस पॉलिसी के? इस टू फैसिलिटेट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स। एक तो इसको ऑल राउंड डेवलपमेंट हो कोऑपरेटिव्स की, एक ये थी टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट सपोर्ट एंकरेजमेंट एंड असिस्टेंस टू एंश्योर देयर फंक्शनिंग एज सेल्फ रिलायंट सेल्फ मैनेज्ड और डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन बन सकें। एक तो ये ऑब्जेक्टिव था। अकाउंटेबल टू देयर मेंबर्स एंड मेकिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकॉनमी। सो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके? एक तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, सेल्फ मैनेज्ड बन सकें कोऑपरेटिव्स, डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड हो, सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ ऑटोनमस हो और अकाउंटेबल्स हो अपने मेंबर्स के। ये चीज़ें थी। अब इसमें एक तो रोल जो था जो गवर्नमेंट का, उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई कि ताकि जो कॉपरेटिव्स थे उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, जैसे MLAs MP उनका कोई दबाव ना हो। तो जो MP MLA थे वो कॉपरेटिव्स का हिस्सा नहीं हो सकते थे। अगर कोई भी सपोज करके कोई भी मेंबर है अगर कॉपरेटिव का, वो MLA या MP की इलेक्शन तब तक नहीं लड़ सकता जब तक वो कॉपरेटिव्स का पार्ट है। तो इसमें ये भी इंक्लूड किया गया था। और क्या क्या चीज़ें थी? बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2002, कॉन्स्टिट्यूशनल ए मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स टू फॉर्मुलेट प्लान ऑफ एक्शन। अब ये चीज़ें बोली गई हैं इसमें। तो बाकी द टास्क फोर्स सजेस्टेड दैट सिंगल लॉ इंस्टेड ऑफ पैरेलल लॉस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स। उन्होंने बोला एक सिंगल लॉ होना चाहिए, ना कि मल्टीपल पैरेलल लॉस हों। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का मतलब यही था कि एक सिंगल लॉ बने कोऑपरेटिव्स के लिए, ना कि स्टेट अलग अलग लॉस बनाए। इट ऑल्सो रिकमेंडेड डैट अमंग अदर्स डैट इन ऑर्डर टू डीपॉलिटिसाइज करने के लिए कोऑपरेटिव्स को, जो MLA या MPs हैं वो कोऑपरेटिव्स को किसी भी ऑफिस को होल्ड ना कर सकें। सो आई होप अच्छे से ये सारा समझ आया होगा। जो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स या पॉलिसीज़ आई थी, क्या कौन कौन से नए जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स। सो बस इतना ही। अब मैं एक MCQs पे लेके आऊँगा जो ओरिजिन और डेवलपमेंट हो पे होगा कोऑपरेटिव्स की। सो देखते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।